10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ये दोनों जो ग्राउंडेड स्टेप आने उसका भी प्रज्वलित हुआ। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल T3 ट्रैकिंग लिफ्ट ऑफ अ नॉर्मल लिफ्ट ऑफ एंड TSLV इज अप इन द स्काई T2 ट्रैकिंग आप लोग को अचीव हुआ ये रॉकेट आगे बढ़ता जा रहा है परफॉर्मेंस नॉर्मल Lit chaperones are working. Air lit chaperones also ignited. All the six chaperones of the core firing now. The PSLV at its maximum power. अब जो फ्लाइट पैरामीटर जो आपके स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, जो जो डॉट चल रहा है, जैसे हमने प्रिडिक्शन किया है लाल लाइन से, उसके ऊपर हरे रंग का डॉट उस पर पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि रॉकेट का परफॉर्मेंस एकदम प्रिडिक्शन के बराबर है और अभी भी हमारे रेंज ऑप्शन डायरेक्टर ने अनाउंसमेंट किया सारे पैरामीटर नॉर्मल है Perfect launch, perfect flight sequence being followed. Plus the one longest minute. Chaperones have burnt out. Main auto. And the launch is progressing as per requirement. We are now around 14 kilometers already away from Shar. 69 seconds into the flight. Ground lit chaperones are separated. The ground lit chaperones are separated. आपने अपने विजुअल में भी देखा जो दो chaperone rocket थे वो separate हो गए हैं और करीब अब से कुछ देर के बाद में Time to separate the airlit chaperones. Separated. जो 25 सेकंड के बाद में जो स्टेप ऑन इग्नाइट किए गए थे वो अब मुख्य रॉकेट से अलग हो गए हैं एनिमेशन ऑफ द लॉन्च ऑन योर स्क्रीन्स नाउ फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस हैज बीन नॉर्मल वी आर अबाउट 1 minute 10 seconds इन टू द फ्लाइट शॉर्टली वी विल हैव द सेपरेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेज सेपरेटेड सेकंड स्टेज इंजन स्टार्टेड या अभी अनाउंसमेंट किया गया है कि चरण जो है दूसरे चरण से अलग हो गया है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो गया है इस द्वितीय चरण में 41 टन का US-25 और N204 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का ऑप्शन चल गया और अभी अनाउंसमेंट किया है मिलने वाला प्रणोद प्रेडिक्शन के बराबर ही आ रहा है और इस समय आपने विजुअल में आप देख सकते हैं कि जो डॉट मूव कर रहा है ये जो आपको एक एनिमेशन दिखाया जा रहा है इसमें सेकेंड स्टेज से निकलने वाला थ्रस्ट आपको दिखाया जा रहा है और ये जो पाथ है ये दिखा रहा है कि एकदम और जैसे ही हम वातावरण को पार करेंगे हमारी हीट शील्ड अलग हो जाएगी और हमारे विजुअल में दिखाया गया कि हमारी शील्ड हीट शील्ड अलग हो गई है द हीट शील्ड हैज बीन सेपरेटेड द क्लोज लूप गाइडेंस एज आई वाज सेइंग आर इनिशिएटेड द व्हीकल इज नाउ अंडर क्लोज लूप एवरी पॉइंट ऑफ द व्हीकल एवरी पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ द व्हीकल इज नाउ बीइंग कंपेयर्ड with the pre-program trajectory and the vehicle is asked to follow the plus 3 minutes pre-program flight sequence perfect normal flight as you can see normal. The red line is the planned trajectory and the green line is the trajectory which has been followed the blinking dot is the current vehicle position now we are going to show to you the separation of the heat shield what you saw actually was a background of the earth as seen by the vehicle cameras is samay द्वितीय चरण का रॉकेट जिसमें कि अपने साथ में 41 टन का फ्यूल था वो पाथ पे आगे बढ़ता जा रहा है और जो कि हमको ग्राउंड टेस्ट जो फ्लाइट पैरामीटर्स यहाँ पे जो दर्शाए जा रहे हैं वो बता रहा है कि इसकी जो परफॉर्मेंस जो है वो बहुत जैसा प्रेडिक्शन किया गया था और जैसा मिल रहा है दोनों